नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पेड़ की खेती के बारे में जिसकी खेती आपको एक बार करनी है और आप 70 साल तक मुनाफा कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, एक बार खेती कीजिए और 70 साल तक मुनाफा कमाइए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपारी की खेती के बारे में। तो दोस्तों, सुपारी में कई प्रकार के औषधीय गुण पाए जाते हैं जिनका उपयोग कई प्रकार की बीमारियों की रोकथाम के लिए किया जाता है। और दोस्तों, इसी गुणकारी स्वभाव के कारण इसकी बाज़ार में मांग अधिक होती है। और दोस्तों, यह तो आप अच्छी तरह जानते हैं, जिस वस्तु की मांग अधिक होती है उसका मूल्य भी हमें अधिक मिलता है। दोस्तों, सामान्यतः सुपारी का पेड़ 50 से 60 फीट का होता है, जैसे कि नारियल का पेड़ होता है। तो दोस्तों सुपारी की खेती करने के लिए नर्सरी की तकनीक का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम चावल की खेती करते हैं, पहले चावल के बीज से उसके पौधे तैयार करते हैं, उसी प्रकार पहले सुपारी के बीजों को लिया जाता है, उन्हें छोटी छोटी कैरियों में रखा जाता है। जब उनके पौधे तैयार हो जाते हैं तब उन्हें खेतों में रोपाई के लिए रोपा जाता है। पर उसमें एक बात का ध्यान देना चाहिए, जहाँ भी हम सुपारी के पौधों को लगाते हैं वहाँ पर जल निकासी की सुविधा होनी चाहिए। जल निकासी के लिए छोटी छोटी नालियाँ भी बनाई जा सकती हैं। और दोस्तों, सबसे पर्याप्त समय होता है जब मानसून का समय होता है, तब इसे अगर रोपाई करेंगे तो बहुत ही अच्छा होता है। और दोस्तों, इसमें खाद के लिए आप गोबर गैस और कंपोस्ट खाद का उपयोग कर सकते हैं। सामान्यतः सुपारी के पेड़ फल देने के लिए 5 से 7 साल का समय लेते हैं, पर इनके फलों को तोड़ते समय एक बात का ध्यान रखें, जब ये 3/4 पक गए हो तभी इन्हें तोड़ें। और बाज़ार में यह अच्छे रेट पे बिकती है, सामान्यतः यह 400 रुपये से लेकर 600 रुपये किलो तक इसकी बिक्री हो जाती है। यदि इसकी खेती 1 एकड़ ज़मीन में की जाए तो किसान बम्पर मुनाफा कमा सकते हैं, और पेड़ों की संख्या अधिक हो तो लाखों से करोड़ों भी कमाया जा सकता है। तो दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि सुपारी उत्पादन में भारत प्रथम क्रमांक पर है, और आंकड़ों की बात की जाए तो पूरे विश्व का 50% सुपारी उत्पादन भारत में ही होता है। सुपारी का उपयोग गुटखा, पान मसाला आदि बनाने के लिए किया जाता है, अतः कई धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भी सुपारी का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।